दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। अभी फिलहाल हम आ चुके हैं अंदावा पेट्रोल पंप पर और आप लोग को दिखाने चल रहे हैं अंदावा से सैदाबाद तक सड़क चौड़ीकरण का निर्माण कार्य। काफ़ी समय से मैं इसका वीडियो नहीं बनाया था तो आज मैं इसका निर्माण कार्य दिखाने चल रहा हूँ अंदावा चौराहे से। तो चलिए देखते हैं क्या निर्माण कार्य हुआ है और सड़क का क्या डेवलपमेंट है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 2025 मार्च मेला की अपडेट मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों सामने आप देख सकते हैं गुलाब सिंह एंट्रेंस जो रिसोर्ट वगैरह है उसके हम सामने खड़े हैं और यहाँ पे देख सकते हैं ये नाली वगैरह का निर्माण हुआ है और डिवाइडर भी बना हुआ है। तो हम लोग अब इसी रूट से चलेंगे सैदाबाद तक, आप लोग को दिखाएंगे पूरा। तो फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डिवाइडर बन चुका है और स्ट्रीट लाइट जो ये होती है ये भी लग चुकी है, बस इसको चालू करने दे रही है। और सामने आप देख सकते हैं कई सारा फ्लैट वगैरह अंदावा में बन रहा है। महेंद्र प्रताप सिंह के जस्ट बगल में ये फ्लैट बन रहा है, इसकी बुकिंग भी चालू हो गई है। फिलहाल इस समय अंदावा में रोड का काफ़ी काम चल रहा है। दोस्तों यहाँ पे डिवाइडर पूरा लगा हुआ है, इसके बीच में पेड़ वगैरह लगाया जाएगा, जगह जगह सब पूरा बना दिया है और रोड भी काफ़ी चौड़ी कर दिए हैं, साइड साइड नाली वगैरह बना दिए हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं टोयोटा एजेंसी क्रॉस कर रहा है। चलिए आगे देखिए। तो दोस्तों फिलहाल हम लोग रुद्रा अपार्टमेंट के पास पहुँच चुके हैं और यहाँ पे ये देखिए पूरा रोड बना दिया गया है, लाइट वगैरह लग गई है, सब कुछ बराबर है। आप लोग का डिमांड आ रहा था कि भाई एक बार दिखाइए, दिखाते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे रिंग रोड भी पास हो रहा है तो रिंग रोड का भी निर्माण का वो वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं। और वही आपके जगतपुर में रेलवे का ब्रिज भी बन रहा है तो वो भी दिखाएंगे आपको। चला ठीक है। तो ये देखिए सामने आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पिलर वगैरह जो दिख रहा है आप लोग को, ये रिंग रोड का पिलर है जो कि आपके सैंपल से होते हुए गंगा नदी में होते हुए पहुंचने वाले हैं।
से बन रहा है। ये देखिए, ये सब फिनिशिंग का काम है, फिनिशिंग किया जा रहा है। इधर साइड में एक ही डिवाइडर बनाया था, एक ही मतलब एक ही डिवाइडर का एक ही दीवार खड़ी किए थे, दूसरी साइड खड़ी करना भाग मतलब कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे कुछ जगह डिवाइडर छोड़ दिए थे, वो सब बनाया जाएगा फिर से पूरा। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारी लेकर के काफ़ी काम चल रहा है। वही आपके चारों तरफ हर साइड में इसका खूबसूरती बनाई जाएगी, नाली वगैरह ऊंचा हो जाने से जो भी आसपास के घर वगैरह हैं उन लोग को थोड़ा आने जाने में दिक्कत होती है, क्योंकि नाली काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है। तो अभी फिलहाल डिवाइडर बना नहीं है, इधर भी पूरा साफ करके खोदा जा रहा नाली उली बनाने के लिए, जगह जगह पर नाली बनी है, जगह जगह पर नहीं, तो सब पूरा बनाया जाएगा इसको ताकि आने वाले समय में दिक्कत ना हो। ये देखिए पूरा सर्दी वगैरह आया है, नाली का निर्माण कराया गया है उस साइड में, और पेड़ भी काफी सारे सूखे सूखे लग रहे हैं, ये जो पाम वाला ट्री लगाया गया है।
थोड़ा सा दिक्कत का सामना जरूर करना पड़ा, लेकिन काम होने के बाद सुविधा अच्छी मिल रही है। पहले यहाँ पे भीषण जाम लगता था, अभी थोड़ा सा कम लग रहा है। कम क्या है, थोड़ा सा बराबर है। मेन जाम जो रोड पे दुकानें वगैरह लगती हैं उनकी वजह से हो जाता है। हम लोग अभी जगतपुर क्रॉसिंग के पास आ चुके हैं और रेलवे का अपडेट दिखाते हैं आपको। ये देखो यहाँ पे जो लैंडिंग वाला है उस पर पूरा मिट्टी वगैरह डाला जा रहा है और पिलर पे छत पर ढाल दिया गया हुआ है। ये देखिए पिलर पे छत ढाल दिया गया है, साइड साइड में डिवाइडर भी तैयार है, मतलब अभी तैयार नहीं हुई है, उसी का काम चल रहा है, डिवाइडर का ही काम चल रहा है इस पे। बाकी क्रॉसिंग के पास यहाँ पे देखिए पुल का निर्माण कराया जा रहा है, ये बचा हुआ है। और यहाँ पे लोहे का इसका गार्डन आ चुका है, क्योंकि लोहे का ये ब्रिज बनाया जाएगा, इसी वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है और इसको बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो बनते लगभग साल हो रहा है, साल से ज़्यादा बढ़ हो रहा है, हाँ ज़्यादा हो रहा है। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह मैं वीडियो लाता रहता हूँ अपने चैनल पर। बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो।